हेलो गाइज, आज जो कंपनी में हायरिंग हो रही है वो है डेवलपमेंट पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है। और वो कंपनी का नाम है रॉल्स रॉयस, और जिसमें आपको सैलरी मिलने वाली है 12 LPA, 12 लाख रुपए पर एनम आपको सैलरी मिलने वाली है। और जॉब की लोकेशन होने वाली है बैंगलोर, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल टाइम जॉब है। और अगर आपको पूछा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, तो बैचलर या मास्टर डिग्री आपके होनी चाहिए। और उसके अलावा जो आपको स्किल्स पूछा गया है वो पूछा गया स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज इन मैकेनिकल डिजाइन मेथोलॉजी एंड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस डिसिप्लिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो आपको जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज है वो मैकेनिकल डिजाइन मेथोलॉजी में है। जैसा कि आपको पता है रॉल्स रॉयस एक कार कंपनी है, तो इस हिसाब से वे पूछे हैं। उसके अलावा उन्होंने पूछा है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट इंटीग्रिटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। आपका अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेबल स्किल होनी चाहिए, आपको अपनी बात अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, और आपकी एबिलिटी होना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट में काम करने की। तो ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वी ऑफर एक्सलेंट इन डेवलपमेंट, ए कम्पिटेटिव सैलरी एंड एक्सेप्शनल बेनिफिट, यानी इन्होंने लिखा है कि ये बेनिफिट वगैरह ज्यादा देंगे आपको। सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास तीन ऑप्शंस आ गए हैं, ऑटो फिल विद रिज्यूमे, अप्लाई मैनुअली, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। तो मैं अप्लाई मैनुअली पे क्लिक करता हूँ। अगर आप रिज्यूमे के साथ जाना चाहते हैं तो ऑटो फिल विद रिज्यूमे करके आप कर सकते हैं। अब अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है इसमें तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड डालने के लिए मिनिमम 8 कैरेक्टर डालना है आपको, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारी चीजें जैसा कि एक पासवर्ड में रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही करके आप कर लेंगे, फिल कर लेंगे पासवर्ड डाल के। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको इस पोस्ट के बारे में, इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा। तो आप यहाँ से देख ले, सोशल नेटवर्क सेलेक्ट करें। सोशल नेटवर्क के बाद फिर आपको पास यहाँ यूट्यूब मिलेगा, यूट्यूब सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्री इंडिया आपका ऑलरेडी आ रही है। फिर नेम आपका डालना है यहाँ पे, गिवन नेम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैथ आइकन। तो नेम फिल करने के बाद फैमिली नेम, लोकल गिवन नेम, लोकल फैमिली नेम, ये सारे ऑप्शंस मैं छोड़ रहा हूँ, वो ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, सिटी डाल देनी है, पोस्टल कोड डाल देना है। ये तीनों चीज़ें आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपका शो कर रहा है। फिर आपको यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका फ़ोन है, क्या है। तो मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री कोड ऑलरेडी 91 आ रहा है इंडिया का। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है और ये फ़ोन एक्सटेंशन वगैरह आप छोड़ देंगे। उसके बाद सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है। तो अगर आप एक फ्रेशर है तो आपके पास तो कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो मैं बोलूँगा आप यहाँ पे अपने इंटर्नशिप जो किया है उसको ही एज ए वर्क एक्सपीरियंस आप फिल कर दें, बिकॉज ये फिल मैंडेटरी है, इसके बिना आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो जॉब टाइटल में इंटर्न लिख दें, कंपनी का नाम जहाँ लिख दें जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है, उसके बाद लोकेशन वहाँ की लिख दें और जितनी मंथ की थी वहाँ पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। और रोल डिस्क्रिप्शन में आप वो लिख दें कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह अगर डेवलप किया या वहाँ पे आपने उनके किसी प्रोजेक्ट पे हेल्प किया काम करने के लिए, तो कौन सी स्किल्स आपने वहाँ पे अपनी यूज की वो यहाँ पे लिख दें। और अगर और दो जगह इंटर्नशिप किया, दो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और सेम अगर आप एक जॉब कैंडिडेट है, मतलब 1 साल 2 साल से आपके पास एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी में काम किया, तो आप कंपनी का डाल सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन पे क्लिक करें और ऐड पे क्लिक करें। तो एजुकेशन में अब आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप गए हैं, कौन सी आपकी डिग्री है, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है नीचे से, आप अपना बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री जो भी है, तो वो सारी फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा आपने फील्ड किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और आपका टोटल परसेंटेज कितना बना है वो देख लेंगे, और कितने मतलब ईयर आपको डालना है, अगर आपने 4 साल का बीटेक किया है या एमटेक किया है, जो भी किया है आपने, जिस हिसाब से फिल किया है उस हिसाब से वो ईयर यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। तो रिज्यूमे अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे, तो रिज्यूमे आप ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ सक्सेसफुली ऐड हो गया, पीडीएफ फाइल में मैंने ऐड किया है। अगर आपको कोई वेबसाइट वगैरह है, आपने गिटहब वगैरह पे कुछ लिंक देना है, तो यहाँ पे ऐड क्लिक करके आप वो वहाँ का यूआरएल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सारी चीजें फिल करने के बाद आपको अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर करेंट एनुअल रिम्यूनरेशन, मतलब कि एनुअल आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे तो जो सैलरी है वो मेंशन कर दे, और अगर आप इंटर्नशिप वगैरह किए हैं तो उसका तो कुछ डालना नहीं, तो यहाँ पे निल लिख दे या जीरो लिख दे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे लास्ट 12 मंथ में अगर आपने कहीं काम किया तो उसके बारे में सिलेक्ट करना, आपने तो काम तो आपने नहीं किया है वो सिलेक्ट करें। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट द एरिया वेयर यू हैव वर्क इन आईटीबी, तो आपने काम ही नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट करेंगे।
प्लीज सिलेक्ट द कंट्री वेयर यू हैव वर्क इन आईटीपी, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डू हैव एनी फैमिली या फ्रेंड वर्किंग इन रोल्स रॉयस, तो यहाँ पे आपको अगर कोई काम कर रहा है आपका फैमिली का मेंबर रोल्स रॉयस में तो यस सिलेक्ट करेंगे, वरना नो सिलेक्ट करेंगे। हैव यू प्रीवियसली, अगर आप कभी आपने रोल्स रॉयस में पहले काम किया है तो नो सिलेक्ट करें, फ्रेशर है तो कहाँ से काम करेंगे आप। हैव यू बीन एम्प्लॉयड बाय रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस में नो। प्लीज सिलेक्ट योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ रॉयस, नॉट एप्लीकेबल। और व्हाट वाज योर रीजन फॉर लीविंग, लीविंग का तो कोई रीजन नहीं था, आपने काम ही नहीं किया है तो अदर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे, इफ योर आंसर इज देन देन यू बी कॉन्टेक्टेड बाई मेंबर ऑफ द रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लोर, हियर इज द लिंक टू गाइड, नो। और उसके बाद सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी जा रही है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है तो मेल सेलेक्ट कर ले, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर ले। और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बतानी है, फिर प्लीज सिलेक्ट योर कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना आपको, तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आपको प्लीज सिलेक्ट यानी एडिशनल नेशनलिटी अगर है तो सिलेक्ट करना है, तो उसमें तो मैं नहीं जा रहा सिलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन वगैरह दी गई है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा एज यूजुअल। यस, यहाँ पे आपको ये बॉक्स चेक करना है, बॉक्स को टिक कर देंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी दी है गई है रिव्यू करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लेंगे और लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कंग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको फर्दर कम्युनिकेट करेंगे आपके ईमेल पे, और ईमेल पे भी कंफर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन उन्हें मिल गया है, अब वो फर्दर आप कम्युनिकेट ईमेल पे करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे करेंगे। अगर आप और जॉब अपडेट चाहते हैं आईटी फील्ड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इन सारी कंपनीज के बारे में मैं लाता रहता हूँ जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह की हायरिंग होती रहती है। तो और मैंने अभी रिसेंटली IBM, Google जैसी कंपनीज के बारे में बताया है, तो आप उनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं उन कंपनीज के बारे में, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अप्लाइंग।